बाद 2018 के बाद पहली मरतबा अवामी पसंदीदगी में मुस्लिम लीग नून तहरीके इंसाफ से आगे निकल गई। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में 27% अफराद ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने का इरादा जाहिर कर दिया और 24% अफराद तहरीके इंसाफ के हामी है, जबकि 11% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने के हक में राय दी है। इस सर्वे में शरीक अफराद में से 23% ने बेरोजगारी को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया है और 21% ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया। सर्वे के दौरान 14% अफराद ने कोरोना और 11% ने कारोबार में कमी को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया है। सर्वे के दौरान मालूम हुआ कि नए माली साल के बजट से सिर्फ 21% अफराद मुतमईन है, जबकि 52% अफराद गैर मुतमईन है। हुकूमत मुदत मुकम्मल करे या ना करे के हवाले से 57% अफराद चाहते हैं कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत अपनी मुदत पूरी करे, जबकि 29% नई हुकूमत चाहते हैं। सर्वे के मुताबिक 27% का ख्याल है कि मुल्की मसाइल शहबाज शरीफ हल कर सकते हैं और 22% का ख्याल है कि पाकिस्तान के मसाइल इमरान खान हल कर सकते हैं। आयदा बतूल, सीक्रेट न्यूज, लाहौर।